हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल खाना पकाना। तो आज हम बनाने वाले हैं मीठा जर्दा यानी कि मीठे चावल। तो चलिए इसे झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिए, इसमें हमने एक चम्मच असली घी ऐड कर दिए। घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, इसमें हमने दो लौंग, एक इलायची और एक दालचीनी ऐड कर दिए। इसे थोड़ा सा घी में अच्छे से सौटे कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। जैसा कि एक गिलास राइस बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम दो गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो गिलास पानी ऐड कर दिए हैं और इसे बॉईल आने तक वेट करते हैं। लेकिन आज जैसा कि हम मीठा जर्दा जो बनाने वाले हैं वो थोड़ा कलरफुल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर को दो चम्मच पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया और इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी को अच्छी तरीके से बॉईल आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो चावल है, मीठे चावल के लिए जो राइस लिए हैं, बिरयानी के बड़े वाले राइस, उसे अच्छी तरीके से धोकर हमने ले लिए, इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप चावल इसमें ऐड करेंगे तो इसे अच्छी तरीके से स्पून से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। जब तक चावल पकते हैं तभी तक हम इसका बाकी चीज़ें रेडी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और किशमिश निकाल लिया और इसी के साथ में जो मीठे चावल है उसके अंदर जो चीज़ ऐड होती है वो है सूखा नारियल, सूखा खोपरा। तो मैं इसे कट करके ले लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा से ही लेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे मीठे चावल के जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं जो सूखा नारियल वगैरह है वो थोड़ा ही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कट करके ले लिए हैं। और यहाँ पर चावल को भी अच्छी तरीके से बॉईल आ रहा है। यहाँ पर हमें जो राइस है वो 90-95% ही पकाना है, पूरे 100% नहीं पकाना है। तो यहाँ पर जब देखिए थोड़ा थोड़ा पानी रह गया इसके अंदर और चावल अभी 50% ही पके हैं, पूरे नहीं पके हैं। तो यहाँ पर हम जो आज चीज़ इसमें ऐड करने वाले हैं थोड़ा से फ्लेवर देने के लिए, वो है पाइनएप्पल एसेंस का। अगर आप चाहो तो जो पाइनएप्पल है उसे बारीक कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अभी घर पर अवेलेबल नहीं है एसेंस, तो मैं यहाँ पर पाइनएप्पल का एसेंस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम चावल को थोड़ा सा तोड़कर चेक कर लेते हैं चावल पके या नहीं है। तो अभी तक तो ये हाफ ही रेडी हुआ है, पूरा नहीं रेडी हुआ। तो हम इसे 2 मिनट तक और पकने देते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि अभी पानी भी है और इसे 90% पके नहीं है, तो अभी हम इसे ढककर तो यहाँ पर मैंने हाथ से तोड़ कर देख ली थी चावल रेडी है या नहीं। यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो अभी हम इसे ढक कर बस हार्डली 1 मिनट के लिए धीमी गैस पर पकने देते हैं ताकि ये 90% अच्छी तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे चेक कर रही हूँ और यहाँ पर इसका पानी है वो ड्राई हो चुका है। बस अभी हमें इतना ही पकाना है, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरा बर्तन रख देती हूँ गैस पर। तो यहाँ पर देखिए जो हमने राइस रेडी किया है, जैसे कि 90% रेडी हो गए, तो यहाँ पर मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ यानी कि इसे छान लेती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत जो पानी इसका रह गया है वो इसके अंदर स्ट्रेन हो जाए। इसलिए यहाँ पर मैंने एक चम्मच असली घी ले लिया, घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरीके से सौटे कर लेंगे। जब कभी भी आप मीठा जर्दा बनाओ तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट से उसे हल्का से घी में भून कर ही लेना चाहिए, जिससे कि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जब ये हल्के हल्के भून जाए, मतलब कि थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में
और इसी बर्तन के अंदर मैंने बस आधा चम्मच घी लियो और उसके अंदर मैंने जो राइस हमने पानी निकाल कर ले लिया वो इसमें ऐड कर देते, इसे अच्छे से तरीके से इसके लेयरिंग कर लेते हैं। और इसमें जैसा कि 1 गिलास राइस था उसके हिसाब से मैंने 1 कप चीनी ली। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। और चीनी डालकर अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चीनी डालने के बाद में इसका पानी छूटता है, इसलिए हमने यहाँ पर मतलब जब कभी भी आप मीठी चावल बनाते हैं अगर आप चीनी पहले ऐड कर देते हो तो चावल पकते नहीं है, इसलिए हमें 90-95% चावल को पकाकर फिर चीनी ऐड करना है। चीनी को हमने डालकर अच्छी तरीके से चलाते हुए मेल्ट कर लिए है, पका लिए, तो ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। इसे अभी हम ढक कर बस आधे से 1 मिनट के लिए धीमी गैस पर पकने देते, उसके बाद चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे झटपट वाले मीठी चावल यानी कि मीठा जरदा रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरीके से बनाकर ट्राई करिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।